हेलो गाइस, आज हम 3D मैक्स पर सीखेंगे हम चेस्टरफील्ड डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें हम कौन सा मॉडिफायर यूज़ करते हैं। तो चलो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पर, जी सेलेक्ट कर लेते हैं हम बॉक्स। मॉडिफिकेशन में आके इसके बॉक्स की जो साइज है हम सेट कर लेंगे, लेंथ हम कर लेंगे 2 फिट और इसकी जो विड्थ है वो भी हम करेंगे 2 फिट और हाइट 1 फिट 6 इंच। ओके, इसके जो हम सेगमेंट्स हैं वो भी हम सेट कर लेंगे। सेगमेंट्स जो हैं लेंथ के हम करेंगे 4, विड्थ के भी 4 और हाइट के भी 4। ओके, इसके बाद हम इसको कर देंगे एडिट पॉली, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। हम सिलेक्ट कर लेंगे वर्टेक्स, सबसे पहले हम टॉप से इसके वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके लेफ्ट से जो वर्टेक्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसके जो वर्टेक्स हैं फ्रंट से सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे आपके सारे जो वर्टेक्स हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, और जहाँ से ना नहीं हुए हैं तो आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर लें। तो हमारे सारे वर्टेक्स लेक हो गए हैं। तो उसके बाद उसको हम जो मॉडिफायर यूज करेंगे टर्बो स्मूथ मॉडिफायर। हम एडिट पॉली में आके इनको यहाँ से हम ऑन कर देंगे शो एंड रिजल्ट को। जो वर्टेक्स सेलेक्ट किए हैं इनको हम कर एक्सट्रूड कर देंगे। यहाँ से आप वर्टेक्स सेलेक्ट कर लें, उसको कर दें एक्सट्रूड। इसकी जो साइज हम कर लेंगे -6 इंचेस। हम कर देंगे 0.6 इंचेस। इसको हम कर देंगे ओके। इसके बाद हम उसके सेलेक्ट कर लेंगे एजेस, इसको भी हम कर देंगे एक्सट्रूड। इसकी हम साइज कर लेंगे -2 इंचेस। उसको हम कर देंगे 0, हम कर देंगे ओके। ये आप देख सकते हैं, इसको हम रेंडर करके देख लेते हैं कि हमारी चेस्टरफील्ड डिज़ाइन कैसे क्रिएट हुई है। 10, इसको हम कर देंगे रेंडर यहाँ से। ये आप देख सकते हैं कि हमारी चेस्टरफील्ड डिज़ाइन जो है क्रिएट हो गई है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।